सिटी एक्स्ट्रा ने ट्वीट किया है, मैनचेस्टर सिटी आर कंसिडरिंग अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग प्री सीजन दिस समर अहेड ऑफ द 23-24 कैंपेन। इट इज लाइकली दैट मैनचेस्टर सिटी ट्रिप वुड सी देम प्ले अ वन ऑफ मैच एज अपोज टू अ फुल टूर। निधि, दिस इज मैसिव इफ इट हैपेंस। अ प्रीमियर बिल्कुल लीग टीम, अ बिग प्रीमियर लीग टीम, मैनचेस्टर सिटी जैसे विजिटिंग इंडिया। इट इज ह्यूज न्यूज यार. मैंने पहले देखा मैं बहुत खुश होगा बिकॉज दिस विल ओपन सम डोर्स. सिटी ऑफ कोर्स, मैनचेस्टर सिटी, मुंबई सिटी, दे आर ओन्ड बाय द सेम ग्रुप. वो मैथमेटिक्स, वो लॉजिक मुझे सब पता है, सीएफजी वगैरह, आई नो दैट. बट मेरा पहला इंस्टेंस ये था. और बिफोर एज वी गो इनटू द वीडियो, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसा क्यों है, जिनको नहीं पता उनको भी बता देंगे. लेकिन मेरा पहला इंस्टेंस था कि यार अगर ऐसे है तो फिर मतलब मोर प्रीमियर लीग टीम्स विल वांट टू कम टू इंडिया. ये पहली बड़ी टीम है चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड विजिटिंग इंडिया. सो यार मतलब इवेंचुअली होपफुली एक दिन लिवरपूल भी आए, तो ये मेरा पहला थॉट था. सेम सेम सेम, मेरा भी ये लाइक द लिवरपूल फैन विद इन मी वाज से कि अगर मैनचेस्टर सिटी आएगा और सक्सेस होगा तो फिर डेफिनेटली मैन यूनाइटेड, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, ये लोग देखेंगे एंड दे विल बी लाइक अच्छा Why are we not ओके doing that? या हाँ, बिकॉज दिस इज अ मार्केट विच हैज टू बी टैप्ड। एंड मैन सिटी का तो कनेक्ट है इधर ना, अच्छा मैन सिटी का तो कनेक्ट है इधर टोटली, कि मुंबई सिटी एफसी, मुंबई सिटी एफसी भी टॉप पे है फिलहाल Yes. आईएसएल में, दे आर प्लेइंग रियली वेल। और मुंबई में ही ग्राउंड है, श्योर कैपेसिटी इज 8 to 10,000, छोटा सा ग्राउंड है, बट यूजुअली यू नो मतलब देयर इज अ सेक्शन व्हिच आई आल्सो गो एंड वॉच द गेम्स, और वो बहुत लाइवली होता है, 1,000-1,500 लोग जंपिंग सिंगिंग टुगेदर। सिटी आएगा तो ग्राउंड फिल करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। वन ऑफ गेम इज परफेक्ट टू टेस्ट द वॉटर्स। 100% एंड आई भाई. थिंक ऐसा ऐसा चीज है ना कि अगर सिटी आ रहा है तो इट डजेंट मैटर टू यू लिवरपूल, यूनाइटेड, आर्सेनल, नहीं चेल्सी। तो नहीं यार, देख, फुटबॉल पेप अगर तेरे नहीं, पेप मैनेज कर रहा है, तेरे को देखने मिल रहा है तो हंड्रेड और परसेंट क्या यार, चाहिए। फुटबॉल तो देखते ही है ना हम लोग. मतलब जब आप अगर लिवरपूल फैन हो और सिटी और आर्सेनल का मैच हो रहा है तो आप तो देखोगे ना. मतलब इट्स अ ग्रेट गेम. योर ठीक है, वी सपोर्ट डिफरेंट क्लब्स बट गेम तो एक ही है ना. तो बिल्कुल यार, उसमें आई थिंक इजिली भर जाएगा वो, और जाएंगे देखने. बट हाँ, थोड़ा मैं बता देता हूँ. तो मुंबई सिटी एफसी, मैनचेस्टर सिटी, जिरोना इन स्पेन एटसेट्रा, ये सारे क्लब्स है ना, दे आर ओन्ड बाय सेम ग्रुप कॉल्ड द सीएफजी और द सिटी फुटबॉल ग्रुप. तो इसके चलते वो दूसरे मतलब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां से इन दोनों के बीच में जैसे समथिंग लाइक रेडबुल ने जो किया है, जैसे ऑस्ट्रिया में उनका एक क्लब है, जर्मनी में उनका एक क्लब है, रेडबुल साल्सबर्ग ऑस्ट्रिया में और रेडबुल लाइप्जिग और जर्मनी में. तो दोनों आर ओन्ड बाय द रेडबुल ग्रुप. सो वैसे ही सीएफजी है, और उसके उस वो एक रीजन हो सकता है कि वाई दे आर इन इंडिया, बिकॉज मुंबई सिटी इज ऑल्सो ओन्ड बाय द सेम ग्रुप. तो हाँ, बहुत एक्साइटिंग न्यूज है यार. नहीं मतलब आइडियली बिकॉज दे माइट वॉन्ट टू प्ले इन सॉल्ट लेक, ये भी हो सकता है कि यू नो बड़े पॉसिबली स्टेडियम में, पॉसिबली बिकॉज सिटी आ रहा है वो। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट नो द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एट द मुंबई फुटबॉल अरिना फॉर द टीम्स, यू नो लाइक अब हालांड, फोर्डन, ये लोग आ रहे हैं, सो यू वॉन्ट टू प्रोवाइड देम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट। पेप आ रहा है तो शायद से वो सॉल्ट लेक में कर दे, वो भी भरी जाएगा मतलब, क्योंकि मैन सिटी आ रहा है। बट सॉल्ट लेक तो ऑब्वियसली भर जाएगा भाई, कोलकाता में हूं. हाँ वही ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, गोवा में कर सकते, किधर भी कर सकते, लाइक फुटबॉल केरला में कर सकते, फुटबॉल क्रेजी हब्स में, बट उनकी टीम तो मुंबई में, तो अगर मुंबई में नहीं करेंगे तो मुंबई वाले भड़केंगे साला हमारी, यू नो, सो बहुत बहुत फनी होगा जिधर भी होगा। बट आई होप इट हैपेंस, बिकॉज जैसे तूने बोला, मेरा भी फर्स्ट थॉट ये था साला, फिर आगे जाके सिर्फ इंग्लिश नहीं, बाहर दूसरे स्पेन की भी कोई टीम आ सकती है, इटली की भी कोई टीम सोच सकती है कि यार इधर देखते रहना, बिकॉज स्पेन और इटली तो ने ठीक से मार्केट नहीं किया ना अनफॉर्चुनेटली। नहीं किया है अभी तक, नहीं किया. बुंडेस, बायर्न म्यूनिख तो आया है पहले, बाय द वे मूलर वूलर खेले हैं इधर। खेले हैं यहाँ पे. एग्जैक्टली. सो वो एक पीस ऑफ न्यूज भी थॉट वी शुड शेयर। निधि, फर्मिनियो का भी कुछ सुनने में मिल रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट का? यस, फर्मिनो का सुनने में मिल रहा है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं. देख यार, आई नो कि फर्मिनो अभी सिक्स चॉइस अटैकर है.
अगर आप मोहम्मद साला, डार्विन न्यूनेस, लुइस डियाज, कोडी गैक्पो, डियोगो जोटा, इन सबको हटा दो तो सिक्स चॉइस अटैकर है यार। देख, हमने हमेशा ये बोला है कि फमिनो के ड्रेसिंग रूम में रहने से हमको फायदा है। आई डोंट थिंक फमिनो ऐसा बंदा है कि वो बहुत ज्यादा डिमांड्स करेगा कि मेरे को बहुत ज्यादा पैसा दो या मेरे को गेम टाइम हर 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 मैच में मैं खेलना है, जिसके चलते आप एक बैड सिचुएशन क्रिएट करते हो ड्रेसिंग रूम में। फर्मिनो के साथ वो सब इश्यूज नहीं है। इनफैक्ट जो नए प्लेयर्स हैं उनको दो अब सीनियर प्रोज मिल गए, साला और फर्मिनो, जिनसे वो लोग थोड़ा सीख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एज अ सिक्स चॉइस अटैकर, ब्रो कम ऑन, इफ यू आर गोइंग टू टेल मी दैट यू हैव रॉबर्टो फर्मिनो एज अ सिक्स चॉइस अटैकर अवेलेबल, दैट्स अ ग्रेट सिचुएशन टू बी इन। एटलीस्ट कोई पोजिशन में तो हमको डेप्थ मिलेगी। हाँ, विलिंगली अवेलेबल विच इज यस फर्मिनियम। एंड सेकेंडली कि हाँ, अभी क्लियरली पता चल रहा है कि ट्रांजिशन फेज में है लिवरपूल, एंड ऐसे सिचुएशन में, ऐसे जब आप यू फाइंड योरसेल्फ, यू नीड यू नो लाइक नोन फेसेस विद इन द ड्रेसिंग रूम। जैसे निधि ने बोला, क्लॉप एंड पेप लिंडर्स वुड लाइक इट एंड द फैंस वुड लाइक इट एज वेल, कि थोड़ा ऐसे यार चल ये तो है, कुछ कोई तो हमारा है, बिकॉज आई थिंक वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ चेंज इन द फ्यूचर। निधि, एक रिपोर्ट आर्टिकल आया ना डेविड लिंच का, तू बता रहा था, व्हाट इज दैट यस, से? सो डेविड लिंच का आर्टिकल आया था। द टोन ऑफ द आर्टिकल इज वेरी ओमिनस। वो बोलता है कि FSG के ट्रू इंटेंशंस हैव बीन क्लियर, और मतलब क्या बात हो रही, क्यों इन्वेस्ट नहीं किया समर में। बहुत टाइमिंग बहुत अपॉर्चून है। इफ यू लुक एट, इफ यू पुट टू एंड टू टुगेदर, इफ यू पुट योर टिन फॉयल हैट टुगेदर ना, देन 31 जैन को ट्रांसफर विंडो खत्म होता है, 1 फेब को ये आर्टिकल आता है। सो उसमें लिखा है कि भाई देखो, मनी अवेलेबल है, देर इज प्लेंटी कैश अवेलेबल, लेकिन उसको डेट रिपेमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। अभी विदाउट मेकिंग दिस इनटू एन अकाउंटिंग क्लास, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जब आपको किसी वैल्यू, किसी एसेट की वैल्यू बढ़ानी होती है, और एसेट की वैल्यू क्यों बढ़ानी है, क्योंकि आप उसके लिए ज्यादा पैसा ले सको पोटेंशियल बायर से। तो एसेट इन दिस केस बीइंग द क्लब, आप क्या करते हो कि डेट कम करते हो क्लब के ऊपर, इवन इफ इट इज स्ट्रक्चर्ड डेट, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशनली वो साउंड प्रैक्टिस है, लेकिन एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर आपके ऊपर डेट कम है। सो दे आर यूजिंग द कैश फॉर द डेट रिपेमेंट रादर देन मेकिंग कैश अवेलेबल फॉर ट्रांसफर्स। अब उसमें ये जैसे बोला है, जैसे सॉरी, जैसे रोमन ने डेट क्लियर कर दिया था चेल्सी के रोमन लिए, ने डेट काइंड क्लियर कर दिया, एग्जैक्टली। सो चेल्सी हैड सडनली हैड अ लॉट ऑफ कैश अवेलेबल फॉर ट्रांसफर्स, राइट? अभी उसमें उन्होंने एक चीज फाइंड की, ये हमारे लिए भी हो सकता है कि अगर वो डेट क्लियर कर दे। यस, इफ दे क्लियर द डेट एंड द ओनर इन्फ्यूजेस अ लॉट सम मनी, देन अ लॉट ऑफ अ बिग ट्रांसफर किटी इज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसने बोला है कि मिडिल ईस्टर्न कंसोर्टियम्स, बॉडीज, जो भी आपको जो भी नाम लेना है, जर्मन, अमेरिकन, इन सब से बात चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ बात हुई नहीं है। लेकिन अगर ये नेक्स्ट समर विंडो से पहले तक रिजॉल्व नहीं होता है, इट इज अनलाइकली कि समर में भी हमारे पास एक बड़ा ट्रांसफर किटी अवेलेबल होगा। दिस इज व्हाट इज मेंशन इन द रिपोर्ट। हाउएवर द रिपोर्ट डज मेंशन जूड बेलिंगम एंड फंड्स मे बी अवेलेबल फॉर जूड बेलिंगम, बट दैट इज अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन। उसमें हम मतलब ऑब्वियसली एज द सीजन गोज ऑन एंड एज वी कम टू द एज ऑफ द सीजन, व्हेन इट एजेस क्लोजर, वी'ल टॉक मोर अबाउट इट, उसके बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ द सिचुएशन इज दैट कैश वाज सिंपली नॉट अवेलेबल। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया कोडी गैक्पो की अवेलेबिलिटी ने, जो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि शायद कि यर्गन क्लॉप की तरफ से रॉन्ग डिसीजन था टू गो फॉर एन अटैकर इंस्टेड ऑफ अ मिडफील्डर। द पॉइंट इज दैट फॉर $37 मिलियन वी Perhaps could not have found a midfielder, but that's यहाँ पे opinion आ जाता है कि आप लोन के लिए क्यों नहीं गए, जो मैं agree करता हूँ, मगर that is the current situation. This is the current situation we are in. Lastly, David Lynch को आप उसको face value पे नहीं लीजिए। David Lynch is not is not an employee of Liverpool. ऐसा कोई close ties नहीं है। He is a respected reporter, but I would advise that you take this with a grain of salt. हाँ, उससे भी फर्स्ट को बोला है, सो देखते हैं क्या। बट आई थिंक सबको पता ही था निधि, जब भी हमने वो रिपोर्ट आई कि हमारा रेवेन्यू वाज़ द थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, पैसा है किधर जा रहा है वो पता नहीं है।
एग्जैक्टली ऐसा तो है ना, अगर आप थर्ड हाईएस्ट रेवेन्यू है आपका, सो ऐसा तो नहीं है कि यू ओ शिट इनकम ही नहीं है, तो हम लोग ऑलवेज बाय टू सेल मॉडल रहे हैं, हम लोग ऑलवेज में हमने ये बोला है कि आप हिक्स और जिलेट तो है नहीं जिनकी इंटेंशंस खराब है, सो इनकी इंटेंशंस आर नॉट ईविल, जो तूने वर्ड यूज किया फॉर द क्लब, दे आर नॉट ईविल, बट उनका स्टाइल है, अभी वो चेकआउट कर चुके हैं, तो जो भी इनकम आ रहा है दे आर ट्राइंग टू मेक दिस एसेट एज सेलेबल एज पॉसिबल, यस सो वो डेट क्लियर करना है। जो न्यू ओनर आएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मिडिल ईस्ट से कोई आ गया, उसको तू बोलेगा ओ वी विल ऑल्सो हैव 60 मिलियन ऑफ ओ 100 मिलियन ऑफ द चैंपियंस लीग अवेलेबल, वो बोलेगा भाई तू क्या है, तू डेट क्लियर करना ताकि मैं अपना, द ओनर विल बी लाइक लिसन लेट मी स्पेंड 400 मिलियन, लेट मी पुट माई फुट डाउन एंड से कि आई हैव अराइव्ड, या अगर तू मेरे को वो करके दे देगा ना तो मेरे लिए वो बेटर है, चैंपियंस लीग तो हम आ ही जाएंगे एक साल में, क्योंकि अगर मैं 400 मिलियन खर्चा करूंगा, सो आई थिंक वो ही है सिचुएशन, तो फिलहाल समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड की सिचुएशन ऑन द फील्ड अच्छी है, उनके भी ओनरशिप इश्यूज है, बट नाउ दे हैव रीच्ड द लीग कप फाइनल, 2-0 नॉटिंगम फॉरेस्ट को हराया, मार्शियल गोल मारा, फ्रेड गोल मार रहा है साला, फ्रेड मेरे को उस दिन कोई तो बोल रहा था फ्रेड हैज गॉट हिज ब्राजीलियन ब्राजीलियन पासपोर्ट बैक पासपोर्ट अच्छा और ये एक ट्वीट भी देखा था मैंने, उस पे किसी ने रिप्लाई किया था, नहीं, सिर्फ ट्रांजिट पास है तो 5-0 ऑन एग्रीगेट यार, नॉटिंगम फॉरेस्ट एब्सोल्यूटली अभी ऑन द हाँ कस्प ऑफ सिल्वरवेयर आफ्टर अ लॉन्गेस्ट टाइम, 6 साल के बाद शायद से न्यूकासल विल आल्सो बी इक्वली हंग्री फॉर सिल्वरवेयर। आई थिंक बहुत ही हॉटली कंटेस्टेड फाइनल हम लोग को देखने मिलेगा, क्योंकि न्यू कासल विल ऑल्सो वॉन्ट टू विन सिल्वरवेयर। और आपको अगर याद हो तो मैन सिटी ने अपने जो एरा की शुरुआत की थी वो एक कैपिटल वन कप के साथ की थी, जिसको आज हम कैराबाओ कप बोलते हैं, पहले लीग कप बोलते थे। सो लीग कप तो खैर इज द कॉम्पिटिशन नेम, स्पॉन्सर्स चेंज होते रहते हैं। सो न्यू कासल विल ऑल्सो वॉन्ट टू विन इट यार, इट इज समथिंग विच इज यू नो नॉट द मोस्ट प्रेस्टीजियस, व्हेन यू अगर तुम टीयर्स बनाओगे तो प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग ये दोनों सबसे टॉप पे हैं, उसके बाद एफए कप, उसके बाद कैराबाओ कप आता है, बट इट इज अ वेलकम ट्रॉफी यार, इट इज स्पेशली फॉर न्यूकासल हु नॉट वन एनीथिंग इन अ लॉन्ग 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 टाइम, एंड फॉर यूनाइटेड एज वेल जो 6 साल के बाद एक अपॉर्चुनिटी है जीतने के लिए, तो बड़ा बड़ा अच्छा फाइनल होगा। यूनाइटेड के लिए भी इट्स अ लॉन्ग 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 टाइम फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकासल के लिए तो हम द हद हो गई है, एंड अगर तू मैचेस देखेगा अभी निधि, वो जो एटमोस्फियर है इज इनसेन एट सेंट जेम्स पार्क, कुछ तेरे करीना, मतलब वो आपको दिख ही रहा है कि पागल हो गए पब्लिक उधर, अभी दे आर डेस्परेट। लिवरपूल के लिए एक चीज अच्छा है कि ब्रूनो गोयमारेज मिसेज द गेम अगेंस्ट लिवरपूल बिकॉज उसको रेड मिल गया था इन द सेमीफाइनल, सो वो मैचेस मिस कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट ही विल नॉट प्ले अगेंस्ट अस, इट्स नॉट दैट ही विल मिस द फाइनल, ही विल मिस द गेम अगेंस्ट अस बिकॉज इट इज काउंटेड इन द एफए ब्रैकेट राइट, तो सिर्फ डोमेस्टिक गेम्स डोमेस्टिक गेम्स ही मिसेस, सो लिवरपूल के लिए अच्छा हो गया कुछ तो होप मिला, बट हाँ यही है गाइस, सो यही था वीडियो, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए वीडियो के बारे में, अगर आपको कैसे लगा, आपको लगता है सिटी आएगी, आपको लगता है बेलिंगम आएगा, आपको लगता है लीग कप फाइनल कौन जीतेगा, बताइए कमेंट सेक्शन में, इधर तो कंटेंट बनते रहेगा, बट या सो दिस इज इट गाइस, विल मीट यू सून, कल हम लोग स्टेट ऑफ प्ले कर रहे हैं इन द मॉर्निंग लाइक वी डू ऑन फ्राइडे, सो सी यू देयर, चीयर्स एंड द अब द रेड्स रेड्स।